हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एफएल स्टूडियो के अंदर कैसे आप लिरिक्स के हिसाब से म्यूज़िक को एडजस्ट कर सकते हो, या आप अगर गाना गाना चाहते हो तो आप कैसे म्यूज़िक को समझ के अपने गाने को गा सकते हो। यानी कि ये राइटर के लिए भी, गाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप क्या करते हो कोई भी गाना बनाने के लिए, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले आपको एक BPM सेलेक्ट करना है। ये BPM आता है ऊपर जहाँ पर 130 लिखा हुआ है, इस पे 90 BPM आपने एवरेज ले लिया। ये जो 90 BPM मैं हमेशा वीडियो के अंदर लेता हूँ ना, ये मैं वैसे नहीं लेता कि बहुत ज़रूरी है 90 लेना, आपके लिए लेता हूँ कि एक जो एवरेज गाने की स्पीड होती है इतनी होती है। पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारी ये स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर ये मेट्रोनोम का बटन है, इसे हम प्ले करते हैं, सुनते हैं। ये जो टक टक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, जिसे हम क्लिक्स बोलते हैं, तो ये क्लिक्स की एक स्पीड है। जैसे मैं स्पीड के ऊपर कुछ गा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर आपकी एक लाइन आपको फिट करनी है। अब आप कहोगे यार एक लाइन मुझे फिर भी पता नहीं लग रहा है कि कैसे फिट करनी है। तो देखो, यहाँ पर जो आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, मान लीजिए हमने एक छोटा सा ड्रम्स बना लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ड्रम बनाया और हमने इसको यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इसको देखो, 1 2 3 4, तो अब ये एक लाइन हो गई, ठीक है। 1 line = 1 bar, मैंने पहले भी एक बार बताया। तो अब ये बार्स कैसे पता लगेगा हमें, बार्स यहाँ से पता लगता है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपका 1 line, 2 line, 3 line और 4 line, यह आपकी 4 line हो गई। तो अब 4 line जो हो गई है ना, तो आपने राइटिंग के अंदर भी 4 line ही लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया 5 line लिख दी, अब आप गाने जा रहे हो वहाँ पर, आप मैच नहीं हो रहा है, आप आर्टिस्ट परेशान हो रहा है और म्यूज़िक बनाने वाला भी परेशान हो रहा है कि इसने कैसे लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लिखना 4 के हिसाब से है और बनाना भी 4 के हिसाब से है। तो अब जब पैटर्न्स बदलेंगे ना यहाँ पर, जब यहाँ पर 4 का पैटर्न अलग आ जाएगा, तो इसके अंदर वेरिएशंस आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ अलग वेरिएशन दे देता हूँ, जैसे पहले तो ऐसे बजेगा, जैसे 1 2 3 4, तो एक लाइन दूसरी हो गई, अब अभी दूसरी स्टार्ट है, तीसरी लाइन, ओके, चौथी लाइन, अब वेरिएशंस, ये वेरिएशंस का एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने। इसके अंदर थोड़ा कुछ और भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो अब मान लो गा के देखते हैं हम, जैसे एक परफॉर्म करके देखते हैं, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं मैं। हेलो, इसमें रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग सारी की सारी चेंज हो रखी है, तो यहाँ पर थोड़ा इशू है। इनपुट आउटपुट चेंज किया हुआ मैंने, ताकि मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूँ। तो यहाँ पर अभी तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मैं चलो आपको सुना देता हूँ, ठीक है। जैसे कैमरे के ऊपर भी इशारा कर दूँगा, 1 2 3 4, जैसे पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कलाकार मैं, मेरी कलम से यारी, स्कूल से निकाला फिर रैप की तैयारी, शिक्षा से दूर पर नॉलेज का भिखारी, नफरत है उनसे जो ज्यादा अहंकारी, यो मेरा नाम गुरु भाई, यो मेरी हो रही है चढ़ाई। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग स्पीड से गा सकते हो। अब देखो मैं स्लो गा रहा हूँ ना, अब आपको चाहिए कि मुझे तेज गाना है, जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे थोड़ा सा स्पीड में चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो आपने पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिज़ाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से BPM की स्पीड आपने बढ़ानी है। ये बज गई स्पीड तेज, इसके अंदर आप वेरिएशन में थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ठीक है। अब इसमें इसी तरह से दूसरा कुछ गा लो, जैसे जैसे आज मैं बिजी इतना माका को ना देख सका, ज्यादा लोगों से यारी, नकली हंसी नकली मजा, टेंशन में रहने लगा, मैं कहती घर पूजा करा। तो ये हो गया तेज।
तो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो फास्ट। तो बस इतना सा ही फ़र्क होता है। बाकी ड्रम्स बनाने के कई अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर मैं रिकॉर्डिंग कर लेता ना तो आपको और ज़्यादा दिखा पाता मैं यहाँ पे। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों। मैं सारे कनेक्शंस भी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। हेलो हेलो देखते हैं। मैं यहाँ पे तो यहाँ पर आपको दोनों को ध्यान देना पड़ेगा, राइटर को भी लिरिक्स को भी, कि दोनों कैसे काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी एक लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई इसके अंदर और आपने क्या कर रहा है इस फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर आपकी लाइन पूरी आ गई, ऐसा मत करना। आपको पूरा चाहिए चार के अंदर, चार 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से करके आप पूरा कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी गाने आप जब करोगे तो रिकॉर्डिंग, तभी आपको प्रैक्टिकल पता लगेगा। ये तो मैंने गा के बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो के अंदर बस इतना ही था। हैव अ नाइस डे। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाय बाय।